वहीं खबरों में बात करते हैं करनाल की। कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व चेयरमैन सरदार त्रिलोचन सिंह द्वारा मॉडल टाउन स्थित तरहुआ होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की गई, जिसमें उन्होंने मौजूदा सरकार के कार्यकाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था व लगातार हो रहे मर्डर, बलात्कार, रेप के केसों में वृद्धि होने के मुद्दे को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में कांग्रेस के प्रवक्ता की सरेआम गोली मारकर हत्या करना सरकार की नाकामी सिद्ध कर रहा है। उन्होंने कहा कि करनाल में आए दिन शव मिल रहे हैं, सीएम हाउस के नजदीक रामनगर में भी दो शव मिल चुके हैं, परंतु पुलिस ऐसे मामलों को ट्रेस करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि करनाल में पुरानी धरोहर गेटों के नाम बदल कर नए नाम रखे जा रहे हैं, परंतु मंजी साहब गुरुद्वारा जिसमें गुरु जी आकर रुके थे उनके नाम पर कोई भी गेट का नाम नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी के नाम पर करनाल में कलंदरी गेट का नाम रखे जाने की वकालत की और कलंदरी गेट का नाम किसी और जगह का रखने की भी बात कही। उन्होंने कहा मौजूदा सरकार जातीय समीकरण बिगाड़ रही है और एक दूसरे को बढ़ाकर राजनीतिक फायदे ले रही है। उन्होंने शहर में रखे गए नए गेटों के नाम में समानता लाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नेता होने के कारण यह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पर शहर व प्रदेश में हो रहे भेदभाव को उजागर करें और सरकार को जगाने का काम करें। इस मौके पर उनके साथ उनके समर्थक भी मौजूद रहे। अभी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता त्रिलोचन सिंह। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लॉ एंड ऑर्डर पे थी। हरियाणा में कानून व्यवस्था बड़ी बिगड़ती जा रही है दिन ब दिन। कल फरीदाबाद के अंदर हमारे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता का गोली मार के कत्ल कर दिया गया। हरियाणा के अंदर जगह जगह पर कानून व्यवस्था का दबाला पिट रहा है। करनाल के अंदर ही सीम सिटी के अंदर ही पिछले 20 दिनों में कम से कम 12 डेड बॉडी मिली हैं। दो डेड बॉडी तो सीएम रेजिडेंस के बिल्कुल पास मिली हैं, जिनका आज तक कुछ नहीं पता लगा। और अंबाला के एसपी ने अगर किसी मुर्जम को पकड़ना चाहा, वहां का विधायक ने आकर एसपी मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसकी वजह से उसको कल बदल दिया गया। उससे पहले भी अनिल विज ने, मंत्री महोदय ने सिरसा के अंदर भी एक एसपी का साथ माथापच्ची की, उसका भी अगले दिन तबादला कर दिया गया। इससे साफ जाहिर है कि हरियाणा के लोग शांतिप्रिय हरियाणा में रहना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार नहीं चाहती हरियाणा में अमन चैन हो। सर, राम रहीम के केस के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, राम रहीम को अंदर करने वाला भी ये सरकार है। अब उसको छोड़ना चाहती या नहीं छोड़ना चाहती, ये उनकी मर्जी है। कानून के में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए हरियाणा सरकार को। पहले भी इन्होंने दखलंदाजी दी, जिससे पंचकूला साथ हरियाणा की स्थिति बिगड़ी, और फिर ये दखलंदाजी देंगे। अभी सीआईडी रिपोर्ट ने कुछ दिन पहले कहा था अगर वो आते हैं तो स्थिति गंभीर हो सकती है, इनको उस रिपोर्ट को मानना चाहिए और सरकार की तरफ से कानून के अंदर कोई दखलंदाजी नहीं होना चाहिए, उनके छोड़ देना चाहिए। उनके फैसले के ऊपर क्या होता क्या नहीं होता, देखिए। पिछले दिनों नगर निगम ने जो हमारे पुराने 7 गेट हैं, जिसमें कलंदरी गेट, बांसों गेट, ढूंढा गेट, जाटो गेट, ऐसे 7 गेट हैं, उनके नाम बदले हैं। लेकिन हम तो चाहते थे कि नाम ना बदले जाएं, क्योंकि ये जो नाम हैं 200 साल 300 साल पुराने नाम हैं, हमारे पूर्वजों की के साथ जुड़े हुए ये नाम हैं। लेकिन अगर नाम बदलना ही था तो कम से कम अंदर 500 साल पहले गुरु नानक देव जी महाराज अंदर आए थे गुरुद्वारा मंजी साहब में, उसके नाम का, गुरु नानक देव जी के नाम का भी द्वार होना चाहिए। कलंदरी गेट जो है फकीर कलंदर के नाम पे होना चाहिए। सभी धर्मों का आदर होना चाहिए। हम हरियाणा के लोग सभी धर्मों को मानते हैं, सारे एकजुट हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एकजुट हैं। लेकिन मौजूदा सरकार जातीय मतभेद करके सबको अलग अलग करना चाहती है। दूसरी जो बार बलड़ी बाईपास पे आजकल गेट बन रहा है, ये 2015 में मेमोरेंडम पास हुआ था, ये मेमोरेंडम की कॉपी है, मैं आपको दूंगा। इसमें उस गेट का नाम गुरु नानक देव जी के नाम पर रखने की पास हुआ था, मेमोरेंडम में एजेंडा पास हुआ था। लेकिन अब कल मालूम लगा कि उस का नाम गुरु नानक देव जी के नाम पर नहीं, किसी और नाम पर रखा जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं कि सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है, जातीय मतभेद रखते हैं ये, इसलिए नाम बदलते हैं।
और ये चाहते हैं उसके बाद तनाव हो, आपस में जातीय तनाव हो, ताकि उसका ये वोटों में फायदा उठा सके। लेकिन छत्तीस बरादरी के लोग एकजुट हैं, वो जातीय तनाव नहीं चाहते। देखिए फरीदाबाद के अंदर प्रवक्ता का जो काम होता है वो आप समझते हो, भाई सरकार के खिलाफ बोलना। आज की डेट में कांग्रेस प्रवक्ता की ये ड्यूटी थी, वो सरकार के खिलाफ बोलते थे, उनको मार दिया गया सरेआम। ये लॉ एंड स्थिति तो गंभीर ही है, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये मानता हूँ ये दबाव की राजनीति भी है राजनीतिक विरोधियों के लिए। और तीसरा, उन्होंने फौरन कह दिया कि इसके ऊपर तो कई मुकदमे दर्ज थे। अरे जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे उसको मारने का अधिकार नहीं है, उसको कानूनी तौर पे जो सज़ा मिले वो भोगने का अधिकार होना चाहिए, मारने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये बात गलत है, कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, इनके हाथ से निकल चुकी है और कुछ ये जानबूझ के भी नहीं करना चाहते।